अमर बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जयपुर में बेरोजगारों का महापड़ाव दो दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम सलाहकार दानिश अबरार ने बेरोजगारों से वार्ता की है। 21 सूत्री मांगों को लेकर बेरोजगारों को आश्वासन दिया है। आश्वासन के बाद महापड़ाव स्थगित किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले 41 दिन से शहीद स्मारक पर बेरोजगार धरना दे रहे थे और इस बीच दानिश अबरार जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं वो पहुंचे हैं, बेरोजगारों के बीच पहुंचे और अब दो दिन के लिए स्थगित किया गया है। और ललित वर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ललित बताएं क्या आश्वासन मिला? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, आपको बता दें कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले जो धरना दिया जा रहा था 41 दिनों से, आज उसमें एक अच्छी खबर ये आई है कि मुख्यमंत्री के सलाहकार दानिश अबरार ने धरना स्थल पर पहुंचकर बेरोजगारों से वार्ता की है। करीब आधा से एक घंटे तक वह धरना स्थल पर रुके, बेरोजगारों के जितने भी प्रतिनिधि थे उनसे वार्ता की, महासंघ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव से भी वार्ता की, उनकी सभी मांगों को सुना। इसके साथ ही दो दिन में सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता करवाने का आश्वासन भी दिया है, जिसके बाद 24 नवंबर से यानी कि कल से उत्तर प्रदेश में जो महापड़ाव की चेतावनी दी गई थी उसको दो दिन के लिए स्थगित किया गया है। इसके साथ ही उपेन्द्र यादव ने यह भी कहा है कि यदि दो दिन में किसी भी प्रकार से वार्ता होके कोई सकारात्मक जो परिणाम है वह नहीं निकलता है तो फिर 26 नवंबर से उत्तर प्रदेश में महापड़ाव की शुरुआत की जाएगी। उपेन्द्र यादव किस तरह के सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज की जो वार्ता हुई है, दानिश अबरार पहुंचे हैं, वार्ता हुई है, एक अच्छे वातावरण में वहां पर वार्ता हुई थी। अब जो बेरोजगार थे वह भी वार्ता से संतुष्ट नजर आ रहे थे जी, तो ऐसे में अब लगता है कि जो 41 दिनों से धरना चला आ रहा है वो कहीं ना कहीं अब परिणाम की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब एक दो दिन में सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता होगी और संभावना ये जताई जा रही है कि जो मांगे हैं उन पर कहीं ना कहीं कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है। जी चलिए, तो अच्छी सुखद खबर है अपने आप में, अब इससे कहीं ना कहीं जो बात है वो बनती हुई दिख रही है। शुक्रिया आपका ललित जानकारी देने के लिए। महापड़ाव स्थगित किया गया, इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले 41 दिन से शहीद स्मारक पर बेरोजगार धरना दे रहे थे और इस बीच दानिश अबरार जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं वो पहुंचे हैं, बेरोजगारों के बीच पहुंचे और अब दो दिन के लिए स्थगित किया गया है। और ललित वर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ललित बताएं क्या आश्वासन मिला? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, आपको बता दें कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले जो धरना दिया जा रहा था 41